हेलो एवरीवन, दिस इज मनमोहन तिवारी एंड यू आर वाचिंग अवर चैनल फिनेंशियल पंडित। एक नए वीडियो के साथ मैं फिर आया हूँ। आज है संडे और संडे के दिन हम कवर करते हैं कुछ एक क्वेरी जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो, कभी आपको बहुत छोटा क्वेरी लगेगा कि ये क्वेरी तो सबको आता है, लेकिन कई ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पता नहीं होता है। कई ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनके लिए बहुत ही ये स्मॉल क्वेरी होगा, बहुत ही एक सिली क्वेरी होगा, लेकिन एग्जैक्टली जिसका क्वेरी है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और कई बार ऐसे छोटे छोटे क्वेरी आपको इतना परेशान करते हैं, आपको इतना ज़्यादा कन्फ्यूज कर देते हैं और डिसीजन लेने में बहुत प्रॉब्लम करते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि अगर इन्वेस्टर के जो सिली भी क्वेरी है उनको भी कवर करूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक छोटा सा क्वेरी भी अगर आपका मिस होता है तो एग्जैक्टली आने वाले टाइम में आपको, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट, अभी तक चैनल को नहीं किया हो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, तो अभी स्टार्ट करें। देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पे क्वेरी जो लूँगा यहाँ पे खान जी का लूँगा। खान जी यहाँ पे बोल रहे हैं, सर आई एम गवर्नमेंट एम्प्लॉई, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं रहता है, मैं स्टॉक के लिए सोचता हूँ, मेरे लिए म्यूचुअल फंड ही ठीक रहेगा या मैं स्टॉक में भी ट्राई करूँ। देखो खान जी, सबसे पहले चीज़ कि हम अगर स्टॉक में डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं तो रिस्क इंक्रीज हो जाता है, रिस्क बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है। हम म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्ट करते हैं? एक तो रिस्क कम रहे और हमारे पास टाइम होता नहीं है, तो हमारा पैसा फंड मैनेजर मैनेज करता है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करोगे तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपको एक रिसर्च करना पड़ेगा कि आपका पैसा जिस स्टॉक में लग रहा है वो सुरक्षित है कि नहीं। और मान लो आप सुरक्षित स्टॉक सेलेक्ट भी कर लिए तो भी आपको ये देखना पड़ेगा कि रिस्क कितना इंक्रीज हो रहा है, एग्जैक्टली आपके टोटल इन्वेस्टमेंट में रिस्क कितना इंक्रीज हो रहा है। मैं हमेशा अपने इन्वेस्टर को राय देता हूँ कि अगर आप रिस्क नहीं ले सकते, ना के बराबर ले सकते हो, तो एग्जैक्टली आप स्टॉक और म्यूचुअल फंड में कंपेयर करोगे तो मैं म्यूचुअल फंड को आपको बोलूँगा कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। लेकिन 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 मैं ये भी राय देता हूँ साथ के साथ कि देखो, टाइम टू टाइम आपको स्टॉक पे भी फोकस करना चाहिए। स्टॉक पे फोकस करने से ये होता है कि कई बार आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं बहुत कम समय में अच्छा रिटर्न लेने के लिए, बहुत कम समय में अच्छा रिटर्न लेने के लिए। जैसे मार्च के महीना में अपॉर्चुनिटी आया था, आपने देखा मार्च में बहुत ज़्यादा गिरावट देखा गया था। रिलायंस के स्टॉक्स का प्राइस बताएं तो 900 से 1000 रुपये में ट्रेड हो रहा था। आज के डेट में आप प्राइस जानते हो कितना है। बजाज कैपिटल की बात करें तो उस समय 1800 और 1900 रुपये में ट्रेड हो रहा था, आज के डेट में आप प्राइस जानते हो कितना है। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ में आप स्टॉक में पैसा लगा सकते हो, ऐसे अपॉर्चुनिटी में स्टॉक में पैसा लगा सकते हो। लेकिन आज के डेट की बात करो कि स्टॉक में पैसा लगाएं कि नहीं लगाएं, तो मैं आपको यही राय दूंगा कि अगर आप स्टॉक में इंटरेस्ट ले रहे हो और आप रिसर्च कर सकते हो तभी आप पैसा लगाएं। कि आपको आइडिया है कि कैसे स्टॉक्स का सिलेक्शन करें तो आप ब्लू चिप या लार्ज कैप स्टॉक्स पे ही फोकस करें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में आपका पैसा सुरक्षित रहे। और मैं किसी एक स्टॉक पे फोकस करने के लिए नहीं बोलूँगा, आप 500 रुपये ही लगाओ, 500 रुपये ही लगाओ, लेकिन कोशिश करो कि आप कम से कम 1-2-3 स्टॉक का सिलेक्शन करके एक पोर्टफोलियो बना के इन्वेस्टमेंट करो। महीने के एक स्टॉक ही खरीदो, लेकिन आपका पोर्टफोलियो 2-3 स्टॉक का होना चाहिए जिससे आप थोड़ा रिस्क को मिनिमाइज कर सको। कुल मिला के अगर मैं खान जी आपको यही बताऊंगा कि आप एग्जैक्टली स्टॉक में पैसा लगाओ, लेकिन बहुत ही यहाँ पे आपको सिक्योर वाला स्ट्रेटेजी लेके चलना है, 1-3 स्टॉक्स का सिलेक्शन करना है, एक अच्छे स्टॉक्स का, और कम कम पैसा महीने में थोड़ा थोड़ा लगाना है। ये आप स्ट्रेटेजी करोगे आपका पैसा सुरक्षित भी रहेगा, एग्जैक्टली थोड़ा रिस्क कम रहेगा और साथ के साथ आपको आने वाले टाइम में अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। तो ये स्ट्रेटेजी आप यूज़ करके खान जी आगे बढ़ सकते हो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेरी की तरफ। अब अगला क्वेरी यहाँ पे लेते हैं। अगला क्वेरी यहाँ पे संजीत जी का है, मेरे शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड ऐप में इन्वेस्टमेंट है, अगर मैं अपने आधार कार्ड में एड्रेस चेंज करता हूँ तो फ्यूचर में रिडीम करने पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, प्लीज़ रिप्लाई। संजीत जी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा फ्यूचर में, अगर आपका म्यूचुअल फंड में कोई आप रिडम्पशन डालते हो, कोई स्टॉक सेल करते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट्स आप मंगवाते हो एग्जैक्टली डीमेट अकाउंट या फिर कोई ब्रोकर अकाउंट के थ्रू, या फिर आप म्यूचुअल फंड AMC के थ्रू, तो आपको अपना फिजिकल एड्रेस है जो भी एड्रेस है उसको अपडेट करवाना पड़ेगा, एग्जैक्टली ऐप में आपको अपडेट करवाना पड़ेगा, AMC के पास अपडेट करवाना पड़ेगा कि इन द केस कोई डॉक्यूमेंट आता है तो आपको अपने
जो भी एड्रेस है, जो आपका भी एड्रेस है, उस पर वो डॉक्यूमेंट रिसीव हो जाए। हालांकि आपको रिडम्पशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कुछ भी अगर आप कभी भी म्यूचुअल फंड में कोई भी रिडम्पशन डालते हो तो उस समय प्रॉब्लम नहीं होगा। आज के डेट में आधार कार्ड नंबर सारे जितने यहाँ अकाउंट है, चाहे वो म्यूचुअल फंड की बात करो या फिर आप डीमेट अकाउंट की बात करो, उसमें अपडेट होता है। जो आधार कार्ड नंबर है वो अपडेट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेरी की तरफ। जो अगला क्वेरी है यहाँ पे नितेश जी का, ये पूछ रहे हैं अगर मैंने स्मॉल कैश बनाया है बैंकिंग स्टॉक्स का और उसमें डिफरेंट 15 बैंक के शेयर खरीदता हूँ तो वो सब बैंक स्टॉक मेरे डीमेट अकाउंट में जाएंगे, बट मैं अगर नेक्स्ट डे मेरे डीमेट अकाउंट से उस बैंक स्टॉक में शेयर ऐड करूँ या सेल करूँ तो क्या मुझे डीपी चार्जेस और सेलिंग चार्जेस लगेंगे? देखो नितेश जी, वाकई में ये आपका क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको नहीं पता है। यहाँ पे जो स्मॉल केस है, जो आप स्मॉल केस पे यहाँ पे एक पोर्टफोलियो बना के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आपके पास बैंक का स्टॉक्स है और उसमें आप पैसा लगा रहे हो। देखो जब भी आप स्मॉल केस में कोई भी स्टॉक ऐड करोगे, चाहे वो आप सेल करोगे, तो आपको यहाँ पे चार्जेस लगेंगे। जो एक डीमेट अकाउंट में चार्जेस लगते हैं वो लगेंगे। क्या लगेगा डीमेट अकाउंट में, क्या चार्जेस लगता है? एग्जैक्टली ब्रोकरेज चार्ज तो लगेगा ही लगेगा। एग्जैक्टली जो आप यहाँ पे मेंशन किए हो, क्या डीपी चार्जेस लगेंगे? एग्जैक्टली डीपी चार्जेस लगेगा। जो भी आप, जैसे मान लो कभी डीमेट अकाउंट में आपने कभी ट्रेड किया होगा, कोई 20 स्टॉक, 50 स्टॉक, 100 स्टॉक्स बाय और सेल किए होंगे, तो जो चार्जेस आपको लगते हैं वैसे ही अगर आप स्मॉल कैश से कोई स्टॉक्स उसमें ऐड करते हो, बाय करते हो या फिर सेल करते हो, तो आपका जो भी डीमेट अकाउंट का चार्जेस है वो लगेगा ही लगेगा। देखो आप ये मत सोचो कि अगर मैं स्मॉल कैश में पोर्टफोलियो बना के चल रहा हूँ या स्टॉक ऐड करके चल रहा हूँ या भी कुछ भी आगे जाके कुछ मैं सेल कर रहा हूँ तो वो स्मॉल कैश का केस है। एग्जैक्टली वो जो भी बाय और सेल होगा वो डीमेट अकाउंट के थ्रू होगा। और जो चार्जेस लगते हैं, स्पेशली जो स्टॉक्स बाय और सेल करने में जो चार्जेस लगते हैं वो लगेंगे ही लगेंगे, यहाँ अप्लाई होगा ही होगा। तो ये कन्फ्यूजन आप मत रखो। देखो अब आप कभी भी स्मॉल कैश जब आप स्टॉक्स का सिलेक्शन करते हो, एक पोर्टफोलियो बना के चलते हो, तो फ्रिक्वेंटली उसमें कोई चेंजेस ना करें, फ्रिक्वेंटली उसमें कोई स्टॉक्स का ऐड ना करें। आपको देखो यहाँ डीपी चार्जेस, एग्जैक्टली ब्रोकरेज चार्जेस तो आपको देना ही पड़ेगा। अगर आप स्मॉल कैश जो बनाए हो उसमें अगर आप कुछ भी चेंजेस करते हो तो आपको एक्स्ट्रा 100 रुपये पे करने पड़ेंगे, जो स्मॉल कैश का एक अलग से चार्जेस है। तो यहाँ पे नीतीश जी आप समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेरी की तरफ। अगला क्वेरी यहाँ पे करण जी का है। ये पूछ रहे हैं सर कैन यू सजेस्ट मी प्लीज, टुडे आई बॉट @385, सो कैन आई होल्ड सम टाइम ए एग्जिस्ट फ्रॉम पोजिशन? ये करण जी जो बात कर रहे हैं ये हैप्पीस्ट माइंड के स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं, जो यहाँ पे लिस्टिंग हुई है। हैप्पीस्ट माइंड की बात करें तो लिस्टिंग हुई है, बहुत ही हाई लेवल पे हुआ है। ऑलमोस्ट जो लोग यहाँ पे जिनको अलॉटमेंट मिला है 166 में, और उनको जो लिस्टिंग गेन मिला है ऑलमोस्ट 110-120% का यहाँ पे लिस्टिंग गेन मिला है। अब कई ऐसे इन्वेस्टर हैं जो ये लिस्टिंग गेन के लालच में फंस गए और वो बहुत ही हाई लेवल पे, बहुत ही हाई लेवल पे इन्वेस्टमेंट कर दिया उन्होंने और बहुत ही हाई लेवल पे हैप्पीस्ट माइंड के स्टॉक में इन कर गए। यहाँ पे करण जी ने 385 में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया, जो कि बहुत ही लेट किया। अब करण जी मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ। अब आप खुद सोचो, एक दिन में जो स्टॉक 110% और 120% 130% का रिटर्न दे रहा है, तो क्या वो हर दिन आपको इतना रिटर्न देगा? और क्या आने वाले 2 महीने और 3 महीने में वो 3 गुना हो जाएगा? देखो जब तक कोई बड़ा यहाँ पे न्यूज़ निकल के नहीं आता, ऐसे स्टॉक्स में तेज़ी नहीं देखा जाता है। लिस्टिंग गेन हुआ है तो लिस्टिंग गेन में थोड़े 1-2 दिन में आपको तेज़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। यहाँ पे जो आपने ट्रेड किया है बहुत ही हाई लेवल पे ट्रेड किया है, बहुत ही महंगा ट्रेड किया है। मैंने वीडियो में आपको बताया भी था, 1-2 दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था इस पर, कि एग्जैक्टली जो न्यू इन्वेस्टर हैं जो पैसा लगाना चाहते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक्स में वो ना लगाएं, जिनको अलॉटमेंट मिला है वो यहाँ सेल करके निकल जाएं। और मैंने स्ट्रैटेजी भी बताया था कि क्या स्ट्रैटेजी आपको यूज करना है अगर आप सेल नहीं करते हो तो। यहाँ पे आप बहुत महंगे दामों में खरीदे हो तो यहाँ पे मैं आपको एक राय दूंगा, अगर आप जितना भी यहाँ पे स्टॉक्स में पैसा लगाए हो, अगर आप लंबे दूरी के लिए यहाँ पे रुक सकते हो, एग्जैक्टली थोड़ा लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए 1 साल 1.5 साल रुक सकते हो, तो आपको अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा।
हड़बड़ी में आप सेल करके नुकसान ना झेले। देखो कई बार होता क्या है, मैं कई बार स्टॉक के बारे में एडवाइस करता हूँ, कई बार किसी स्टॉक को मैं बताता हूँ, मैं उसके साथ साथ ये भी बताता हूँ कि आपको स्टॉप लॉस रखना है, आपको स्टॉप लॉस रखना है, आपको स्टॉप लॉस रखना है। इन्वेस्टर सिर्फ ये सुनते हैं कि एग्जैक्टली पैसा लगाना है, पैसा इन्वेस्ट करना है, स्टॉप लॉस को वो स्किप कर देते हैं। और जब पैसा लग जाता है, जब पैसा लग जाता है, तो जब मार्केट में 100 रुपये या 150 रुपये का गिरावट हो जाता है, तब जाके वो इन्वेस्टर निकल के आते हैं कि सर आपने इस स्टॉक को पिक किया था, इस स्टॉक का एडवाइस किया था, अब नुकसान हो रहा, अब क्या करें। देखो एक चीज़ है, जब भी आप पैसा लगाएं, जब भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं स्पेशली स्टॉक्स में, तो आपको स्टॉप लॉस यहाँ लेके चलना चाहिए। आपको अपना रिस्क पता होना चाहिए कि मैं अगर 100 रुपये यहाँ लगा रहा हूँ तो मैं कितना नुकसान झेल सकता हूँ 100 रुपये में, 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये। अगर आप अपने रिस्क को नहीं समझ रहे हो, पैसा को लगा के भूल गए हो, तो मैं तो यही राय दूंगा कि आप थोड़ा भूल जाओ, थोड़ा और टाइम दो, 1 साल दो, 1.5 साल दो, आपको रिटर्न मिलेगा, लेकिन हड़बड़ी में बेचना मत। तो ये सारे क्वेरी थे, ऐसे बहुत क्वेरी हैं जो मेरे कमेंट बॉक्स में आते हैं, लेकिन हर एक क्वेरी को पिक नहीं कर सकता टाइम को लेके। मैं कोशिश करता हूँ वैसे क्वेरी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, एक बहुत ही बिगनर लेवल के लिए, इन्वेस्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो मैं वो क्वेरी साथ में लेके आता हूँ। उसके साथ ही ज़्यादा मैं ये भी देखता हूँ कि सबसे ज़्यादा क्वेरी किस टॉपिक पे किया हुआ, उस क्वेरी को भी मैं साथ में लेके आता हूँ। तो इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके माइंड में कोई क्वेरी हो, बेझिझक कमेंट बॉक्स में क्वेरी जनरेट करें। आने वाले टाइम में बहुत सारी वीडियो लेके आऊँगा। एक हम्बल रिक्वेस्ट, अभी तक चैनल को नहीं किया हो, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, तो अभी स्टार्ट करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।